नाला वगैरह बंद था मुनसिपी में, आप देख ही रहे हैं चारों ओर से थोड़ा थोड़ा दूर लोग बढ़ा बढ़ा करके दीवार उवार डाल दिए थे, किसी का सीढ़ी किसी का पायदान किसी का कुछ, हम लोग चिन्हित कर दिए हैं सभी चारों ओर से, सभी लोगों को भी समझा बुझा दिए हैं, लोग भी तैयार हैं अपने अपने जगह पर रोड का जमीन छोड़ने के लिए, नाला का जमीन छोड़ने के लिए, और नगर निगम के सहायता से हम लोग इसको छोड़ रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हो रहा है। क्या लग रहा है कि यह अतिक्रमण पूरा पूरी माने सफाई हो जाएगा, ये वार्ड नंबर 24 जो 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 अतिक्रमण है उसको हम लोग खाली करा लेंगे और उसके बाद नाला निर्माण और सड़क निर्माण की जो कार्य है वो। जी सर, आज जो है पुरानी मुनसिपी में काम को जो है ये जो बहुत दिनों से ये पेंडिंग में फंसा हुआ था, आज देख रहे हैं कि कुछ जिसे भी आकर के काम शुरू करवाए हैं आप, तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि ये संभव है कि हो जाएगा और कितने दिनों में हो जाने का संभावना है? देखिए, ये जो सड़क है और नाला है बहुत दिनों से इसका पहले सेंक्शन हो चुका था, टेंडर भी हो गया था, वर्क ऑर्डर भी निकल गया था, लेकिन दोनों तरफ अतिक्रमण होने के कारण जो है काम शुरू नहीं हो पाया था। और बता दें कि इस सड़क की बहुत दयनीय स्थिति थी, पैदल चलना मुहाल था, लेकिन इससे पहले अस्थायी समिति की बैठक में मैंने बहुत जोर आवाज़ उठाई इसके लिए कि जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, तो प्रशासन जो है की नींद खुली और आज आप देख ही रहे हैं कि जो है अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है और हमको लगता है कि दो दिनों में जो है अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा इसका और जल्द ही इसमें सड़क एवं नाले का निर्माण किया जाएगा।